किरारी लेक की ट्रैकिंग और कैंपिंग पूरी करने के बाद हम लोग वापस शिव के घर पे चले गए और वहाँ से अपना बैग वगैरह लेके हम लोग धर्मशाला घूमने के लिए निकल गए थे। किरारी लेक की ट्रैकिंग की वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरी हिमाचल प्रदेश की ट्रिप का डे 3 है और इस वक्त मैं धर्मशाला में आ चुका हूँ। दोपहर के करीब 1 बजे हम करेरी लेक की ट्रैक ख़त्म करके वापस शिव के घर आ गए थे और शिव के घर पे आने के बाद लंच वगैरह करके हम लोग निकल गए धर्मशाला के लिए। और इस वक्त मैं धर्मशाला में आ चुका हूँ और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा टी गार्डन है। हम धर्मशाला का टी गार्डन देखने आए हैं और ये यहाँ से इसका रास्ता है और ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये है टी गार्डन। तो सबसे पहले हम लोग टी गार्डन घूमने आए हैं, हालांकि समय ज़्यादा है नहीं, तो हम देख रहे हैं कौन कौन सी प्लेसेस हम कवर कर पाते हैं। सबसे पहले टी गार्डन आए हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ जाएंगे अभी, क्योंकि हमने बाइक ली हुई है रेंट पे और बाइक भी हमें देनी है वापस, तो ज़्यादा समय है नहीं। ये पूरा का पूरा टी गार्डन तकरीबन तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये जो पत्तियां हैं इन्हीं पत्तियों से चाय पत्ती बनती है जिससे चाय बनाई जाती है। तो जब आप टी गार्डन से आधा किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको मिलेगा माता कुणाल पथरी मंदिर, ये भी टी गार्डन के पास में ही है। आप चाहें तो यहाँ पे भी घूम सकते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ज़रूर घूमेंगे। माता के मंदिर दर्शन करने के बाद हम 4 किलोमीटर ट्रैवल करके आप पहुंचे हैं स्टेट वॉर मेमोरियल। यही वो जगह है जहां पे युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मारकें हैं। तो आइए स्टेट वॉर मेमोरियल में घूमते हैं। सामने ब्लैक वॉल पर आप जो लिखे हुए देख रहे हैं ये उन शहीदों के नाम हैं, उन जवानों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे जो शहीद हो चुके हैं। तो गाइज ये थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन और इन्हीं 3 जगहों पे हम धर्मशाला में घूमे हैं।
हाँ, हालांकि घूमने के लिए और भी काफ़ी जगहें हैं, लेकिन समय कम है हमारे पास, जिस वजह से हम यहाँ पे और जगहों पे नहीं घूमेंगे। तो अगली बार कभी जब धर्मशाला दोबारा आएंगे तो जो बाकी की प्लेसेस रह गई हैं टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए, उन प्लेसेस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन तीनों प्लेसेस में से कौन सी टूरिस्ट प्लेस आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।